है मेरी तेज ट्रिप्स की फैमिली। सो आज हम लोग एक अलग सा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं एक्चुअली। तो मुझे एक काम से अंधेरी जाना था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेंट्रल रेलवे पे एसी लोकल ट्रेन स्टार्ट की है। सो लोकल ट्रेन मुंबई में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफलाइन बोला जाता है, और उसमें एसी लोकल ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। सो मैं अभी जैसे पुणे में रहता हूँ ज़्यादा, तो मुझे मुंबई इतना आना नहीं रहता है, बट अभी आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एसी लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस लेता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से। तो चलिए चलते हैं। रखने का चीज है वो थोड़ा सा अलग है, इस पे ग्लास रखा है। सो एसी लोकल ट्रेन में आपको ये जो डोर्स है ये क्लोज हो जाते हैं, जो कि सेफ्टी का भी एक अच्छा रीजन है कंपेयर टू नॉर्मल लोकल्स। सो इससे कैसे कि कोई बाहर खड़ा नहीं रह सकता एंड उतने ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जैसे ही स्टेशन आता है उसके 2 सेकेंड्स के बाद ही ओपन होता है, एंड जैसे यहाँ पे ग्लास है तो आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टर्स दिए गए एंड ये अंदर ऐसे। सो एसी लोकल ट्रेन के अंदर आपको डायरेक्टली व्यू मिल रहा है सामने तक, सो आप पूरा आगे तक जा सकते हैं, एंड पूरा ये सब कनेक्टेड है। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 पीपल्स की, और जैसे अंदर से व्यू है। कनेक्टेड है एक्चुअली, तो यहाँ पे रश ज़्यादा आता नहीं है। नॉर्मल लोकल ट्रेन में क्या हो जाता है कि रश बहुत हो जाता है यहाँ पे, एंड जिसके वजह से कनेक्टेड नहीं रहता तो अंदर ही रहती है भीड़। बट इसमें कैसे कनेक्टेड है तो एक कोच से दूसरे कोच में भी शिफ्ट हो सकते हैं, और बाकी तो मस्त है एसी लोकल ट्रेन। वैसे अपना अभी स्टेशन नज़दीक आ रहा है, सो अभी चलते हैं।
अभी अपन है मुंबई मेट्रो स्टेशन पे, ओके अपन है घाटकोपर के उधर। सो यहाँ पे एक नया है, मैंने कुछ देखा कि डायरेक्टली व्हाट्सएप पे QR कोड थ्रू टिकट आ जाता है जो कि सिर्फ पेमेंट करना है वहाँ पे। तो यहाँ से आगे अभी अपन जा रहे हैं मरोल नाका एंड वहाँ से फिर अंधेरी, ओके। तो मरोल नाका निकलते हैं। तो मरोल नाका का जो टिकट है वो मुझे कुछ आ गया 25 रुपीज़ का एंड अभी अपन को जाएंगे। एंट्री कर रहे हैं अंदर मेट्रो के स्टेशन पे। QR कोड दिया था, वो QR कोड अपने मोबाइल पे दिखा है, गेट ओपन हो गए बाद में, तो पहले QR कोड दिखाना है उधर। तो अभी एस्केलेटर पे ये अपन अभी ऊपर जा रहे हैं। कॉइन जैसे कुछ तो था बट अभी ये डायरेक्ट ऑनलाइन टू के डायरेक्ट QR होगा। सो ऑलमोस्ट अब से 2 ईयर्स में यहाँ पे आ रहे। सो चलते आगे। एक्चुअली घाटकोपर से पास में एयरपोर्ट आता है। सो ये देखो ये ओपन है, जो आपका मुंबई एयरपोर्ट है वो यहाँ से ही आता है पास में। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका घाटकोपर, वहाँ से स्टार्ट होती है एंड एंडिंग पॉइंट है वर्सोवा। सो ये दो स्टेशन से आप उसको कैच कर सकते हो, बीच में से भी कर सकते हो, बट यही एंड पॉइंट है। अभी अपन है मरोल नाका पे। ये मरोल नाका स्टेशन है एंड मुंबई मेट्रो यहाँ पे खड़ी है। सो एक्सपीरियंस अच्छा था एंड एसी लोकल का भी एक्सपीरियंस अच्छा था। सो ये ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करते, इसको कंटिन्यू नहीं करते आगे, बिकॉज मेरा इतना ही था कि मुझे एसी लोकल ट्रेन एंड मेट्रो आपको बहुत दिखाना था। चैनल पे नहीं रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मिलते मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन दिस इज बाइकर तेज एंड सब्सक्राइब टू तेज ट्रिप्स, बिकॉज और ट्रिप्स आने वाली।